दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, चाहिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मेरे भाई बहनों से विनती है, प्लीज सपोर्ट करें, और वो भी हमारा ही चैनल है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप व्यस्त रहते हैं तब आपके अंदर नकारात्मकता कम आती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी भी काम को सच में करना चाहते हैं तो वह काम आपको कभी भी उबाऊ नहीं लगता और आपको उस काम को करने में खुशी मिलती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आपका प्रेमी आपको प्रेरित करे तो आप अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच पाते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अच्छा महसूस करने के लिए 10 घंटे से ज्यादा की नींद तो लेनी ही पड़ती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी उम्र रहना चाहते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम मत करो जो आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग आपके साथ करें। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग आप पर यकीन करते हैं उन लोगों का भरोसा कभी मत तोड़ो, और अगर आपसे अनजाने में कभी गलती होती है तो आप उनसे माफी मांग लें, नहीं तो आप पर दूसरे लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे और आपको विश्वासघाती समझेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उन्हें बता नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आपको उनकी कितनी परवाह है, तो शायद उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं या पेड़ पौधों के पास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप अपने प्रेमी के साथ रहते हो तो उस वक्त आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं और आपकी पावर भी बढ़ती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो आपके मन में सिर्फ उसी के बारे में बातें चलती रहती है और आप उसकी कमियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि सच्चा प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, और यदि आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो आप अपने सपनों को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं और आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति लगातार बहुत देर तक आपको घूर रहा है तो हो सकता है कि वह आपसे परेशान है या फिर आपसे गुस्सा है। साइकोलॉजी कहता है कि आप ज्यादा पढ़ाई करने से समझदार नहीं बनते बल्कि आपके आसपास कैसा माहौल है और आपके पेरेंट्स कैसे हैं इस बात से आप में समझदारी आती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी से अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं और जब आप प्रॉब्लम में होते हैं या दुखी होते हैं तो उसके सामने रो देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो आपसे सच में प्यार करता है वो काफी देर तक गुस्सा नहीं रह सकता है, ना ज्यादा देर तक बात किए बिना रह सकता है, और आपको खोने से बहुत डरता है। मनोविज्ञान कहता है कि आपका दिमाग नकली हंसी को पकड़ सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति दिन में लगभग 13 बार हंसता है। वो कभी झूठा प्यार नहीं करता। जो इंसान आपको फोन करके सबसे पहले ये बोलता होगी जब आप उसके पास नहीं होते तो वो अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता है। साइकोलॉजी कहता है कि आपकी स्माइल आपसे मेकअप से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। साइकोलॉजी कहता है कि पर्याप्त नींद ना आना और भूखा रहना गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण है। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए 7 घंटे की नींद जरूरी है, इसलिए गुस्सा कम करें। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती है। आप उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं और उसकी कई छोटी छोटी बातों से भी आपको बहुत फर्क पड़ने लगता है। क्या आपको पता है कि जब आपका दिल टूटता है मतलब आपका ब्रेकअप होता है तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको सेम वैसे ही ताकत की जरूरत होती है जैसे किसी नशे की लत से बाहर निकलने के लिए। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि नवंबर माह में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी को साथ में चलने का पूछते समय अगर आप उनके कंधे या बाह को छूते हैं तो उनके हाथ कहने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें।